हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फनकारा फूड रेसिपी। आज हम बनाएंगे सूजी के गुलाब जामुन। ये बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी है और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आप भी इसी तरह से गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं घर पर आसान तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। आइए बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है 50 ग्राम। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। पैन रख दिया है मैंने गैस पर लो फ्लेम पर और इसमें मैंने अपनी सूजी डाल दी है। सूजी को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे और सिर्फ हम इसे कच्चापन निकालने तक ही हम इसे भूनेंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से हम सूजी को भूनेंगे। देखिए, सूजी को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। सूजी से कच्चापन निकल चुका है और सूजी से अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसे सूजी को अलग निकाल लेंगे। देखिए, सूजी को मैंने अलग निकाल दिया है। अब मैं उसी पैन को गैस पर रखूंगी और इसमें मैंने जितनी मैंने सूजी ली है उसका डबल मैं दूध डालूंगी। इसी कटोरी से मैंने सूजी ली है माप करके और ये 2 कटोरी में दूध डालूंगी। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालूंगी और इसे मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट इसी तरह रखेंगे। देखिए, अभी हम फ्लेम को लो रखेंगे जिससे कि हमारे दूध में बॉईल ना आए। और जैसे ही दूध गुनगुना हो जाएगा हम इसमें सूजी डालना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, सारी सूजी एक साथ डालने से लम्स बन जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक हाथ से मिक्स करते रहेंगे। देखिए, सारी सूजी को मैंने डाल दिया है और इसमें एक हाथ से मिक्स कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से करें। 1 से 2 मिनट बाद देखिए सूजी ने सारे दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये इस तरह से हो गई है जैसे कि मावा, सूजी से मावा बन गया है। बहुत ही अच्छे से हमें इसे पकाना है जिससे इसमें कच्चेपन की ना आए। और जितने से अच्छे से ये पकेगी इतने ही सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे। सूजी को पकते हुए 2 से 4 मिनट और हो गए हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी। जब तक ये ठंडी होती है इतने हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने पैन में 1 कटोरी भर की चीनी डाली है और जितनी मैंने चीनी डाली है इतना ही मैंने पानी डाला है। माप में देखा जाए तो मेरी चीनी 150 ग्राम है। जितनी हम चीनी लेंगे इतना ही हम पानी डालेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे। देखिए, चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून ही इलायची पाउडर डाला है। मैंने इसमें कुछ केसर की पत्तियाँ डाली हैं, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें वरना आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। इलायची फ्लेवर से ही ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए, चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमें सिर्फ इसे इतना पकाना है कि हमें इसमें तार ना बने। हम इसे चिपचिपी चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। सूजी से जो हमने मावा बनाया था, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच देसी घी और इसे इसी तरह से मसलते हुए हम इसे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। जितना हम इसे अच्छे से मसलेंगे इतने ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे। देखिए, 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसी तरह से मसलते हुए और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। देखिए, इतना ही सॉफ्ट हमें चाहिए। अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम हथेली के बीच में रखेंगे और इसे दूसरे हाथ से गोल गोल घुमाते हुए हम इसे शेप दे देंगे। ये देखिए, गुलाब जामुन को मैंने इस तरह से बना लिया है। सभी गुलाब जामुन को मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये देखिए, किसी भी गुलाब जामुन में कोई क्रैक्स नहीं आई है। इसका मतलब है कि हमारा जो डो बना था वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट था। तेल गरम कर लेंगे हम। ये देखिए, गरम कर लिया है हमने तेल को। अब हम इसमें एक गुलाब जामुन डालेंगे और इसे हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई करने से ये अंदर तक के कुक हो जाएंगी। देखिए, फ्राई करते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इन पे कलर भी बहुत ही अच्छे से आने लगा है। आप कलर अपने हिसाब से हल्का ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, गुलाब जामुन पे
लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और जैसे कि हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है तो चाशनी को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। गर्म चाशनी में ही गुलाब जामुन को डालेंगे। देखिए ठंडी चाशनी में आप ना डालें वरना ये सॉफ्ट नहीं होंगे। हल्की सी गुनगुनी चाशनी में ही हम इन्हें डालेंगे। सभी को डाल दूंगी मैं और इन्हें मैं ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूंगी जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएं। देखिए गुलाब जामुन हमारे बहुत ही मज़े के बन करके तैयार हुए हैं। डिश आउट कर लेते हैं। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और ये बहुत ही स्पंजी बने हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे। मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से इनमें कितना अच्छे से ये पके हैं, बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल फनकारा फूड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। बाय।